अलग अलग जगहों पर पूजा हवन दुआ सबका दौर चल रहा है। आलोक जी कहते हैं कि राजनीति हर किसी को बड़ा निष्ठुर बना देता है, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा बदलाव हो जाता है लोगों में कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते पहुंचते उन्हें नीचे नजर नहीं आता, लेकिन वाजपेयी का वो कवि दिल और कवि हृदय हमेशा जिंदा रहा और उनको लोगों से जोड़ता रहा। अंदर जी आप याद करिए ना, जिस समय उन्होंने एक बार जब इस्तीफा देने की नौबत आई बहुमत नहीं था शुरू में 1989, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना कि मुझे ऊंची इतना ऊंची ऊंचाई मत देना। उन्हें भगवान से भी वो ये प्रार्थना करते थे कि मुझे इतनी ऊंचाई मत दीजिए कि मैं दूसरे का दर्द न समझ सकूं, दूसरों की तकलीफ, दूसरों की असहमति न सकूं। ये एक बहुत बड़ी बात है, हमेशा लोग ऊंचा बनने के बाद चाहते हैं कि मैं ऊंचा हमेशा शिखर पर बना रहूं, लेकिन उनकी इसकी परवाह नहीं थी अपने पद की। और जैसा अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी पासवान जी की जो आपने बात की थी और वो अभी सामने दिखाई दिए थे, मुझे याद आया 77 में भारी, बहुत युवा थे उस समय पासवान, और वो जनता पार्टी के समय में भी पासवान जितने भारी बहुमत से जीत के आए। अटल जी उसके उनके साथ भी उन्होंने किया, बाद में फिर पासवान को अपने साथ जगह दी, फिर पासवान यदि बदल करके कहीं और चले गए तब भी उनके साथ नहीं हुआ। दूसरे भी प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल, मैं इसलिए मैं याद करता हूँ आज जो देवगौड़ा है, ऐसे लोग जब उनको उनके प्रतिद्वंदी बन करके मैंने वहाँ पर प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी कटुता नहीं निभाई, सबसे बड़ी बात। और अभी चूंकि नंदी जी ने कई चीज़ों का जिक्र किया, परमाणु नरसिंह राव जी जो हिम्मत नहीं कर सके, क्षमा के साथ मैं कहूँगा कि क्योंकि अमरीकी दबाव था, लेकिन परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में आने के बाद कर दिया। तो ये एक अपनी हिम्मत, साथ साथ ये नहीं कि उदार हैं आप तो कोई बड़े निर्णय नहीं कर सकते। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, आज हम भारत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव, और ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई अमेरिका से लड़ाई हो, लेकिन उसके बाद भी चाहे अमेरिका ने उस समय प्रतिबंध लगाए भी चूंकि हमने परमाणु परीक्षण किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, माने मैं 9/11 के बाद भी उनके साथ वहां पर जाने की यात्रा करने का मुझे अवसर मिला प्रधानमंत्री के साथ, तो किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका का और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग लिया। परमाणु शक्ति बनने के बाद आज हम जो कह रहे हैं कि कई देश हमारे साथ परमाणु के लिए आ रहे हैं, तो भारतीय नेता नहीं, जो दुनिया के निगाह भारत पर जिसको कहते हैं कटु दृष्टि भी रहती थी कि भारत आगे न बढ़े, उनके साथ भी सहमति बनाने की क्षमता अटल जी में थी। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, हर कोई इस बात से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, हर कोई पूजा अर्चना प्रार्थना कर रहा है। पहले तो उस बारे में आप क्या कहेंगे और फिर इस महान शख्सियत के बारे में क्या बताएंगे? जी अंजना जी, अंजना जी, स्वाभाविक तौर से जिस समय से हम सबको भी एक एक कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अटल जी के स्वास्थ्य के गंभीर होने की, खराब होने की सूचना मिली है, सभी लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं और निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अटल जी स्वस्थ हों और एम्स का जो नया बुलेटिन आवे उसमें उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, इस प्रकार का समाचार मिले, ऐसी आशा अपेक्षा करते हुए आज के सारे कार्यक्रमों को भी निरस्त करते हुए हम लोग भी दिल्ली पहुँच भी रहे हैं। लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व बहुत महान था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उसी को भाजपा आज भी अपना रही है और उनका आशीर्वाद पाने के बाद उनके द्वारा जो बीजारोपण किया गया उसी के कारण से आज विशाल वटवृक्ष के रूप में बीजेपी भी आज खड़ी है। लेकिन संख्या कम रही हो या ज़्यादा रही हो, उन्होंने कभी भी एक तरह से कही है कि नैतिकता के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया। देश कैसे मजबूत हो, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी दिशा में उन्होंने काम किया। और आज मैं, आज से नहीं, मैं तो कहूँगा कि वो तो आज़ाद शत्रु के रूप में एक तरह से जाने जाते हैं। पूरे देश के किसी भी दल के नेता हों, कोई भी दल की सरकार हो, मुख्यमंत्री हों, किसी भी पद पर हों, आज जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, सब लोग एक साथ भगवान से प्रार्थना करने में लगे हैं कि अटल जी स्वस्थ हों, तो मैं समझता हूं कि ये अटल जी जैसा ही विराट व्यक्तित्व, तो और विराट शब्द भी अटल जी के लिए मैं कहूंगा कि छोटा पड़ता है। और इसलिए आज जो भी मतलब हम सबकी चिंता का कारण है, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण से,
आशा हम यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी अटल जी स्वस्थ हों और उनका आशीर्वाद हम सब पर भी, हमारी पार्टी पर भी, हमारे देश पर भी लगातार बना रहे, ऐसी अपेक्षा आशा के साथ हम सब अच्छे समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से खास जी केशव जी, एक उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव रहा अटल जी का, और इसीलिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे जब वो सांसद थे, लालजी टंडन विधायक थे और आपके जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो उस वक्त वहां पर मेयर थे। उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव रहा और आपने जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर मेहनत की बतौर यूपी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बाद में आप उप मुख्यमंत्री बने, एक संघर्ष उनके जीवन में और वही संघर्ष आप जैसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। निश्चित तौर से मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद लेकर के ही अध्यक्ष के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ किया था और उनके आशीर्वाद के प्रताप से हमें इतनी बड़ी सफलता भी मिली थी। और उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ पे उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व किया वो तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला होगा, शायद ही कोई प्रमुख कार्यकर्ता होगा जिससे अटल जी ना परिचित रहे हों, जो अटल जी से परिचित ना, अटल जी से सब लोग परिचित रहते हैं लेकिन अटल जी का हर जिले के अंदर कार्यकर्ताओं से परिचय होना ये बहुत बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि देश का कोई हिस्सा नहीं होगा, दुनिया के कोई प्रमुख देश ऐसे नहीं होंगे जहाँ उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखने वाले लोगों की कमी हो। हर क्षेत्र में उन्होंने एक जो आदर्श उदाहरण प्रचारक के रूप में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते थे उस समय जो उन्होंने किया है वह सब के सामने है। एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक विपक्ष के नेता के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और एक ओर से सरकार जा रही थी और वो चाहते तो बचा सकते थे और उन्होंने कहा भी था कि बिकने वालों की भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने नैतिकता के एक आदर्श उदाहरण जो राजनीति के अंदर प्रस्तुत किया है वह सब उनके जीवन का हर हिस्सा है। इसीलिए आज चाहे वह पक्ष का हो, चाहे हमारी पार्टी का, जो है वो तो एक एक कार्यकर्ता है ही, लेकिन विपक्ष के भी जिस प्रकार से जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, अटल जी को लेकर के चिंतित होना बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से आप समाचार यह एम्स के माध्यम से देशवासियों तक पहुँचावें कि अटल जी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इसी अपेक्षा आशा के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद हम रखते हैं कि जल्दी स्वस्थ होंगे अटल जी। जी केशव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के ही तमाम नेता आज कैसे याद कर रहे हैं, नैतिकता की नींव पर ही किसी शख्सियत में हम इस तरह से देखते हैं उसको बढ़ते हुए कि विपक्षी अपने सब नमन करते हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको अटल जी की दिखा रहे हैं तो उसी के साथ सुना देते हैं यूपी के नेता आज क्या कह रहे हैं उनकी बिगड़ी सेहत पर। तब मेरे लिए वो मित्र थे, भाई थे, पिता थे, मेरे मार्गदर्शक थे, जिस रूप में भी इतना लंबा साथ शायद जीवित लोगों में किसी का नहीं रहा है, तो ये मुझे ये आत्मिक चिंता हो रही है कि वो कष्ट में हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके कष्ट दूर हो। अटल जी का एक शब्द पूरी चर्चा का विषय बन जाता था। उन्होंने अपने आप से बोला, मैं अपने आप को इसमें देखता हूं, पहला शब्द। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि आप लोगों ने लगा तो हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, तो लोगों ने कहा हाँ अटल जी मैं ऐसे ही नेता चाहता हूं। तो बोले कि मान लो ये जो कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा ना पहनूं तो लोगों का अटल जी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए। और लोग
यही कह के जहां जाता था लोग कहते थे कि जाइए आपको क्या मतलब है, कुर्ता तो दिया ही अटल जी का पैजामा, आप आपको चुनाव जीत जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी दी है कि उन्हें पता है कि तमाम नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं एम्स, उन्होंने भी नजर उनकी सेहत पर बनाई हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, हर कोई आज इसीलिए भावुक हो रहा है क्योंकि न जाने कितनों का हाथ थाम कर उन्होंने राजनीति में उनको आगे बढ़ाया और आज सबको ये डर सता रहा है कि उनका हाथ ना छूट जाए। नहीं, हाथ हम लोग पूरे विश्वास से भरे हैं और भगवान पर भरोसा है कि अटल जी का हाथ हम सब से नहीं छूटने पाएगा और इसी आधार पर प्रार्थनारत हैं। और अटल जी ने तो कितने इस देश के अंदर कितनी बड़ी श्रृंखला खड़ी की है वह बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके संज्ञान में है और उनकी जिह्वा में माँ सरस्वती मैं मानता हूँ कि हर समय विराजित रहती हैं। उन्होंने जो मुख से अपने कहा है वो सत्य हम सबके सामने आज दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम सब भरोसा करते हैं भगवती शक्ति भी कृपा करेंगी, भगवान भी कृपा करेंगे और जो करोड़ों लोगों की प्रार्थना है उसका असर होगा और पूज्य अटल जी हम सबको फिर से आशीर्वाद देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सब प्रतीक्षारत हैं और मैं भी दिल्ली के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ लखनऊ से। जी, तो शाम तक आप भी दिल्ली पहुँच जाएंगे केशव जी? जी पहुंच रहा, मैं पहुंच रहा, बस मुझे यहां से निकल रहा हूं और 4:30 तक पहुंच जाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार जुड़े हुए थे, वो भी अपनी यादें बताते हुए हर कोई बस दिल में ये अंदर ही अंदर विश्वास दिलाता हुआ कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और एम्स से जानकारी आएगी कि उनकी तबीयत में उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्योंकि जिस कवि हृदय को आपने बहुत करीब से देखा है, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में जाना है, उसकी सोच क्या थी, बड़े बड़े फैसले परमाणु परीक्षण पर लेने वाला वो व्यक्ति कैसे अंदर से अपने शब्दों के जरिए ऐसे बाण छोड़ता था कि दुश्मन भी पानी मांगे तो वही दोस्तों को भी कुछ सोचने पर मजबूर करता था। अंदाज अलग था, तरीका अलग था, कई बार उनके मजाक करने के अंदाज सुनिए। उन्होंने घेरा अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जरूरी यह है ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, लेकिन जोर दिखाई देता दुशासन का। गीत नया गाता हूँ, कदम मिलाकर चलना। नगर बंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, अमर आग है, अमर आग है। मौत की उम्र क्या तो कम ही नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मौत से डरने। टूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकुरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कभी उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है, इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं।
सिरे विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, रा हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली, कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शी झुका लोगे यह मत समझो, जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रवीश पाल सिंह, हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रवीश, यादों का एक समंदर है जो यहां पर लोगों के मन में होगा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में वो देश के प्रधानमंत्री थे, एक जबरदस्त स्टेट्समैन, एक नेता थे, तो इनके लिए परिवार का हिस्सा थे। रवीश, बिल्कुल अंजना जी, और ये ठीक पीछे वो मकान है जहां पे अटल जी का पूरा बचपन बीता है। ग्वालियर का ये इलाका है, कमल सिंह का बाग, और इसी इलाके में ये जो पीछे घर आप देख रहे हैं, ठीक यहीं पे बचपन पूरा बीता अटल जी का, और इसके साथ ही स्कूली शिक्षा जो उनकी ग्वालियर में हुई वो इसी घर में उस वक्त रहा करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इस घर को उन्होंने, जो ग्वालियर के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कंप्यूटर की शिक्षा के लिए दान कर दिया था। तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं, हर उम्र के लोग हैं यहां पे, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा एक बच्चा है ये यहां पे मौजूद है अटल जी के साथ, के तमाम लोग उनको जो अच्छे से जानते हैं वो सब यहां पे मौजूद है। आप बताएं किस तरीके से आप जो है लेते हैं इस पूरे, आप अटल जी की अगर हम बात करें, क्या व्यक्तित्व था उनका, क्या चीज आपको याद है उनके, कुछ ऐसी कहानी जो आपको, कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है हमेशा अताउम्र आपके साथ रहेगा? अटल जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, चलिए आप बताइए आप भी यहाँ रहते हैं मोहल्ले में जहाँ अटल जी रहते थे, जी किस तरह आप मिले कि नहीं पहले ये बताइए। मैं काफी, जब भी वो आते थे तो हमको एक बहुत काफी भीड़ रहती थी उनके साथ, और बहुत अच्छा उत्साह था, महसूस होता था कि हाँ कोई आया है, तो हम लोग आते थे जब उसमें देखते भीड़ भाड़ तो उनसे मिलते थे, और बहुत ही बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे अटल जी,
और आज भी जो है मैं बताऊं उनके जो उनका स्वास्थ्य जब से खराब हुआ है तो ग्वालियर के काफ़ी लोग चिंतित हैं कि वो जल्दी से जल्दी कब ठीक होकर ग्वालियर आएँ, और ईश्वर से हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वो ग्वालियर आएँ। तो 25 दिसंबर को हम उनका जन्मदिन भी मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और बड़ी तादाद में यहाँ पे, अंजना जी आपको बता दें कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो इस मोहल्ले में रहते हैं, और जैसे ही ये खबर मिली है अटल जी के स्वास्थ्य को लेकर के तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस घर के ठीक बाहर। आप लोग बताइए, आप लोग कभी मिल तो पाए नहीं होंगे अटल जी से, लेकिन किस तरीके से आप उनकी पूरे व्यक्तित्व को लेते हैं, क्या आपको सबसे अच्छा लगा अटल जी के बारे में जो आपने सीखा उनसे? अटल जी के बारे में सबको अच्छा सीखने को लिए मिला है। यहाँ अपने एक ग्वालियर का नाम चल रहा है, उनके वजह से पूरे विश्व में नाम जाना जा रहा है। जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने और उस जगह में क्षेत्र में उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस चीज़ पर हमको खुद गर्व होता है कि हाँ हम उनके क्षेत्र में रह रहे हैं। किसी से भी कहने में लोग अपने घर का पता बताते हैं तो नंबर, यही वो गर्व है जो ग्वालियर से लेकर दिल्ली तक लोग महसूस कर रहे हैं। अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, कोई अपडेट इस वक्त एम्स से? अंजना, अपडेट तो वही है कि लोग आ जा रहे हैं और जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन आएगा उसका इंतजार किया जा रहा है कि वो अच्छी खबर लेके आए, वाजपेयी जी की तबीयत में सुधार हो, उनकी सेहत और अच्छी हो। क्योंकि अभी तक जो दोबारा बुलेटिन आया था सुबह, आज पहला बुलेटिन आया था रात के बाद, उसमें तो वैसी स्थिति बताई गई थी जो रात में थी, क्रिटिकल स्थिति थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। लेकिन इंतजार लोगों को यही है कि अच्छी उम्मीद हो, दवाओं के साथ दुआओं का भी असर हो, यही सब कामना कर रहे हैं, यही दुआएं कर रहे हैं सब कि वाजपेयी जी दोबारा से स्वस्थ हो जाओ। कई बार उतार चढ़ाव रहा उनके स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन निकल करके आए बाहर और रिकवर किया उन्होंने। लेकिन इस बार भी यही इसी करिश्मे की उम्मीद है कि वो जो स्थिति उनकी क्रिटिकल बनी हुई है उसमें सुधार होगा जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन आएगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ से जा चुके हैं और उनको भी यही उम्मीद होगी, दुआएं करके गए हैं कि वाजपेयी जी की जब दोबारा मेडिकल बुलेटिन आएगा, डॉक्टरों से बात होगी तो कहीं ना कहीं सुधार सुनने को मिलेगा। और जो नेताओं का मिलने का सिलसिला था, अंजना, नवीन पटनायक यहाँ पहुँच रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तमाम लोग यहाँ पे शाम तक पहुँचेंगे, एक एक करके नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है। और वाजपेयी जी से वो मिलना चाहते हैं, उनके सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। यही एक वाजपेयी जी का करिश्मा है कि किस कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, किसी भी कद का हो, छोटा हो, बड़ा हो, तमाम लोग वाजपेयी जी के सेहत के बारे में जानना चाह रहे हैं, खुद आ करके एम्स के अंदर डॉक्टरों से मिलकर के, उनके परिवार से मिलकर के। अंजना, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, एक एक कमेंट आप दोनों से, क्योंकि उनकी शख्सियत के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी सिमटती है। और लोग कहते हैं कि राजनीति में दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ऐसा है कि उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे नरसिम्हा राव, माने कि आप ये समझ लीजिए नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और ये जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ये कितने जब बैठते थे तो जो जैसे पुराने दोस्त बैठते हैं और ये बहुत एकदम से एक दूसरे में उलझ जाते थे और एक दूसरे से बातें करते थे, मेरे आंखों देखा हाल है। दूसरा ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब 2004 में इतने झटका ही लगा वाजपेयी सरकार को, जब इतने अनएक्सपेक्टेडली अचानक हार गए, तो मुझे याद है कि इन्होंने ईद का इफ्तार किया था वाजपेयी जी ने, जो इनका नया घर इनको अलॉट हुआ था, और उस वक्त मुझे लगा था कि यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और ये दिखाने के लिए कि आप हमें उतने ही प्रिय हैं और उतना ही हम आपका सम्मान करते हैं। और अब मुझे याद है कि जो मसले होते थे ना, प्रॉब्लम, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम भी होते, तो बाद में सुनने में आता था कि ये इतना तनातनी हो गई तो ये क्या हुआ, तो वो मजाक में जो जब सुलझाना होता था उन्होंने डिसाइड कर लिया होता था कि लगता है कि यूं ये चीज़ें बैठेगी, तो मजाक में वो किस तरह से एक चीज़ छोटी सी कह के सुलझाते। और आपको याद है कि वो खाने के कितने शौकीन हैं, यानी कि मिठाई हो और बाकी चीज़ें हो तो वो आलोक जी। आलोक, देखिए, निश्चित रूप से अभी आपने जिस तरह से नरसिंह राव का जिक्र किया, प्रणव मुखर्जी वो तो अभी भी चुके, यदि आप देखिए, यदि हो सकता है उनकी प्रतिक्रियाएं और भी आपको मिलेंगी, प्रणव मुखर्जी के साथ भी उनके वो चाहे उसके पहले जब वो वित्त मंत्री रहे कई वर्षों तक, उनके साथ भी उनका एक बड़ा अच्छा संवाद होता था, एक तरह से कहना चाहिए कि एक उनकी भी पढ़ने लिखने में रुचि थी। डॉक्टर करण सिंह दूसरा नाम मैं लूँगा जो हिंदुत्व को लेकर के मुद्दा आता है, तो डॉक्टर करण सिंह तो कांग्रेस में रहे हमेशा, लेकिन उसके साथ भी इन विषयों पर, धार्मिक विषयों पर
और ऐसे विषयों पर, कई बार करण सिंह भी सुनाते थे, बल्कि दोनों लोगों को कई बार मैंने साथ में भी उस तरह से देखा। तो उन चीज़ों को लेकर एक आध्यात्मिक मुद्दों पर लेकर के और धार्मिक और हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के जो अपने पार्टी से असहमत हो, बल्कि मुझे आज भी याद है पटना में सबसे पहले विराट हिंदू समाज किया और अटल जी से भी लाइव किया, बने वो तब तक उसी बने कोई बीजेपी में नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करना और दूसरों के विचारों को सुनना, ये जो एक बड़ा गुण सर ऐसा ही था। शाहनवाज जी ने अभी बताया ना हमें कि कई बार उनको लगता था कि उनकी शख्सियत के सामने मैं अपना जो बात करनी है वो ना भूल जाऊं, तो हाथ पर नोट कर लेता था क्योंकि पर्चा निकालना ठीक नहीं लगता। ये थी उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत की ताकत। हमारे साथ अशोक सिंगल, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा, संजय शर्मा लगातार बने हुए, इन सबके पास जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।